हम लोग बीजेपी को हरा देंगे, क्योंकि हम लोग सब एकजुट था कि बीजेपी को जिताएंगे। जो कैंडिडेट हम लोग को दिया गया है विशाल लामा, उसके ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमें वो कैंडिडेट नहीं चाहिए। रायपोल नहीं, उसको मतलब देना चाहिए। ये जो विशाल लामा दो दिन पहले ही आया था, उसको कैसे टिकट दे दिया? जो हमारे मोदी जी हैं उसके उनके बारे में गलत बोले हैं, गाली दिए हैं, उनको चोर बोला गया है। जो कैंडिडेट हम लोग को दिया गया है विशाल लामा, उसके ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमें वो कैंडिडेट नहीं चाहिए। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत पहले से कि हमेशा कैंडिडेट ऊपर वाला ही चुन रहा है और कालचीनी की उधर से ही चुन रहा है। हम लोग का यहाँ लेवल में कोई नहीं आ रहा है अभी तक, हम तो देखे भी नहीं, बस सुने ही है। लेकिन अभी फिलहाल से जैसे हुआ एमपी, वो भी उधर से ही चुना जा रहा है, एमएलए उधर से चुना जा रहा है। यहाँ जयगांव में इतना सबसे पहले सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पे है, सबसे वोटिंग यहाँ पे ज्यादा। लेकिन हमेशा देखा जाएगा तो खोला के उस तरफ, नदी के उस तरफ से बस चुना जाता है कैंडिडेट। हम लोग को चाहिए नदी के इस तरफ से, कम से कम जयगांव से हम लोग को एटलीस्ट एक कैंडिडेट चाहिए। तो आप लोग आगे क्या करने वाली हैं? अगर विरोध करेंगे अभी जो कैंडिडेट दिया है उसके ऊपर। रायपोल नहीं, उसको मतलब देना चाहिए। ये जो विशाल लामा दो दिन पहले ही आया था, उसको कैसे टिकट दे दिया? जो हमारे मोदी जी हैं उसके उनके बारे में गलत बोले हैं, गाली दिए हैं, उनको चोर बोला गया है, उसी आदमी को टिकट कैसे दिया? इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए चर्चा करने और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है ना, पहले बीजेपी 2014 में इतना पावर, मतलब हम लोग का संगठन नहीं था, इसी कारण से हम लोग अलायंस किए थे, तो अलायंस के कारण से विशाल लामा को टिकट मिला किया था। अभी हम लोग का हर एक बूथ में मोटा मोटी हम लोग का 20-25 बूथ मेंबर है, बूथ कमेटी है। तो अभी तो हम लोग अपना कैंडिडेट चाहिए ना, जिसको भी मतलब हम लोग चाहते इतना ही चाहते हैं अपना सेंटर से स्टेट से कि हम लोग अपना कार्यकर्ता चाहिए, वो कोई थोपा हुआ नहीं चाहिए, दो दिन पार्टी नहीं किया हुआ और उसको टिकट दिया, उसको मालिक नहीं बनाना है हम लोग। देखिए हम लोग को मांग यही है कि विशाल लामा का टिकट कैंसिल किया जाए, और हम लोग का अपना ही जो है, जो हम लोग का भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता है जो समाज के लिए खट सकते हैं, हम लोग देखे भी हैं, उन लोग का हम लोग नॉमिनेशन भी फाइल करवाए हैं, उन लोग को टिकट दिया जाए। और विशाल लामा को टिकट हम लोग सेंट्रल कमेटी से ही बात हुआ है, उन लोग भी बोले हैं कि दो दिन का टाइम दिए हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता पर उतरेंगे, अब अपना पार्टी को लेकर जो करना होगा हम लोग करेंगे, पर विशाल लामा को हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। आपका नाम क्या है? दीपेंद्र जायसवाल। पोस्ट क्या? मैं डिस्ट्रिक्ट कौन मेरा था, एमएलए का टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पूरा ही ये था कि एमएलए टिकट पासन राजू को मिलेगा। पासन राजू एक बहुत अच्छा इंसान भी है, सदस्य का पार्टी का सदस्य भी और एक मेंबर भी है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को बहुत आशा था यह पासन राजू को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, इसके लिए हम लोग सब विरोध में है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग सब विरोध में। और कि वो विशाल लामा, वो तो 3 दिन हुआ गोरखा पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन किया, उसको कैसे मिला बीजेपी का टिकट, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो विरोध करेंगे, हम लोग बीजेपी को अगर पासन शेरपा को नहीं मिला तो हरा देंगे, ये हम लोग का एकदम ये है, हम लोग बीजेपी को हरा देंगे, क्योंकि हम लोग सब एकजुट था कि बीजेपी को जिताएंगे। और हम लोग का पासन दर्ज कहीं पे थोड़ा सा कुछ होने से, हम लोग बुलाने से वो पहुंच जाते, उनको हम कहाँ ढूंढने जाए, उनको हम जानते हैं ना, पहचानते हैं, कुछ नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए हमको बीजेपी को पासन राजू को मिलना चाहिए टिकट, ये हम लोग का अनुरोध है सबसे।